हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। मैं उठ चुकी हूँ जल्दी जल्दी। तो क्या उठी हूँ, 8:30 बजे उठी हूँ। अभी यहाँ पे एसी का इतना पानी निकला, ये साफ़ कर रही थी, इधर सारा पानी भर गया था, बाहर निकाला है पानी मैंने। फिर अभी नीचे जाती हूँ मम्मी पापा के पास, और सुबह सुबह नीचे हल्दी का दूध पीना है तो वो पीते थोड़ा, और फिर थोड़ी बातें। और ये यश और सबकी फरमाइश है का आज पाव भाजी खानी है, तो उन्होंने ऑलरेडी सब प्रिपरेशन पहले से कर दी है, तो अभी ब्रेकफास्ट में बनेगी पाव भाजी, और हम सब पाव भाजी, हम दोनों पाव भाजी खा कर फिर ही निकलेंगे। तो एक बार चलते हैं नीचे मम्मी पापा के साथ, थोड़ा सा टाइम बिताते हैं क्योंकि सब जने सोए हुए हैं, सिर्फ मैं उठी। दूध पी लिया है मैंने, भाभी भी तैयार होके आ गई है, हाय कर दो। और अभी पाव भाजी की तैयारी चल रही है, मैं यहाँ पर बैठ के काटूंगी अभी प्याज और आलू टमाटर सब काट चुके हैं, और वेदिक गया है अभी पाव भाजी मसाला लेने के लिए। जैसे ही आता है अपन बॉईल करने के लिए रख देते हैं सब्जियाँ, और सुबह सुबह सब बिखरा पड़ा हुआ है क्योंकि काम था इसलिए। अब हमारा ब्रेकफास्ट कम लंच तैयार हो गया है, मैं और चिकू पहले खा रहे हैं क्योंकि हम दोनों को जाना है इसलिए। बता क्यों दिया? हाँ यार, सारा सस्पेंस ही तोड़ दिया हमारा, अब जाना कैंसल, कहीं और जाएंगे। हम तो रवाना हो रहे हैं अब, चिकू और मैं दोनों जने जा रहे हैं गाड़ी लेने के लिए, क्योंकि यश और सब जने गए मंदिर, तो मंदिर गए हैं तो वो तो क्या है, हनुमान जी के मंदिर गए हैं तो थोड़ा दूर है वो मंदिर, तो उनको आने में लगेगा टाइम। चिकू अकेले अकेले जा रहे हैं गाड़ी लेने, मैं भी साथ में जा रही हूँ, सुपर मार्केट पड़ी है गाड़ी इसलिए। मैं और चिकू हम दोनों अभी निकल चुके हैं कल्याणपुर से, और यश और ये लोग मंदिर गए हैं, तो वो मंदिर बीच में ही पड़ता है, तो उनसे भी मिलते हुए निकलेंगे हम, और उन सबका ब्रेकफास्ट बाकी है घर जाके, फिर मैं घर पहुंचूंगी, फिर वो करने बैठेंगे, तब फ़ोन करके पूछती हूँ कैसा बना था यूँ, क्योंकि यश को बड़ा यूँ इच्छा थी कि जीजी कब आके पाव भाजी बनाएगी और उसके हाथ की खाएँ खाऊँगा यूँ। इसको कुछ समझा सकते हो आप? अभी ऐसा गिरते वो ढलान में, ऐसे जीजू ऐसा ढलान, ठीक है, मैं नीचे खड्डे दो, जैसे ही गाड़ी कूदी इसके यूं ही हो गया। जाओ पाव भाजी घर पे बन गई, खा लो। और जीजू कल जा रहे हैं फाइनल मैच देखने VIP, वैदिक की तरफ से खाना, गोटी की तरफ से रहना, और पीनू की तरफ से जाना, अपनी तरफ से कुछ नहीं, और चिंतन की तरफ से टिकट, चिंतन की तरफ से ले जाएगा। काल नाग योग की पूजा है, तुम्हारे तो हुई नहीं है, तुम्हारे काल सब योग ही साथ में था। चलो ओके बाय, ओके बाय बाय, काल रिव्यू देना घर जाके कैसी बनी है। तो अभी आ गए हम घर पे, अब फ्रेशन अप होते हैं और फिर लंच की तैयारी। मैं हो चुकी हूँ रेडी, और ये किचन की ड्रेस में आ गई हूँ, किचन में भी आटा गूंद के आई हूँ, और अभी यहाँ पर क्या चिकू के कपड़े ये से समेट के रखे हुए, तो वापस से ये हैंगर में जमाने हैं, तो जब तक मम्मी दाल फ्राई कर रहे हैं तब तक मैं ये कपड़े सारे हैंगर में फिल कर देती हूँ, ताकि चिकू को उनके कपड़े कम्प्लीट मिले, क्योंकि नहीं मिलते तो फिर मैं भी गुस्सा। लंच हो चुका है, अब चलते हैं शॉप पर और चिकू को फ़ोन कर देती हूँ। चिकू का तो पेट फूल है, सुबह वो पाव भाजी खाई हुई थी इसलिए, तो चिकू ने तो अभी नहीं खाया, थोड़ी देर बाद खाएंगे, और टाइम आज बहुत ज़्यादा हो गया, 1:30 बज चुकी हैं, तो मैं कैमरे की बैटरी ले लेती हूँ साथ में,
बैटरी ले ली है, पर्स में रख देती हूँ बैटरी। शॉप पर आकर अभी जस्ट हुई कस्टमर से फ्री, और आज तो मैं सोच रही हूँ ट्यूटोरियल बनाऊँ मेकअप का, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया मैंने मेकअप का कोई ट्यूटोरियल नहीं बनाया है, और मेरी जो ऑडियंस है वो वेट कर रही है बेसब्री से। मुझे पता है कि मेकअप का ट्यूटोरियल कब आए, पर अब बिल्कुल बनाऊँगी मैं। एक्चुअली क्या, मैंने अंदर से वो टेबल बाहर निकाल दिया था, मुझे टेबल दूसरा बनवाना था ना इसलिए, पर अब दूसरा टेबल तो जब बनेगा तब बनेगा, पर इस वजह से मेरे जो मेकअप के ट्यूटोरियल है वो डिले हुए जा रहे हैं, तो वो चीज़ नहीं होने दूंगी। तो एक दो दिन में आज बनाने की इच्छा है, पर पूरा प्रॉपरली एक बार सेट कर देती हूँ फिर मेकअप का ट्यूटोरियल बनाऊंगी। पूरा दिन कस्टमर होने के बाद अभी जस्ट मैं हुई हूँ फ्री, अभी हो रही है 6:30, मैं जा रही हूँ आगे मुझे है थोड़ा सा काम, फिर करेंगे। आज स्टूडियो जमाना था पर टाइम ही नहीं मिला, स्टूडियो जमा देते नहीं तो फिर, नहीं तो कल तो जमाना है ही, परसों, कल से नहीं परसों से तो ट्यूटोरियल बनने चालू ही हैं। शॉप से आ गई हूँ और आने के बाद ये इलिटरेट बीन्स, यानी क्या कहते हैं, अनएजुकेटेड बीन्स काटे हैं मैंने, गवारफली, तो आज इनकी सब्जी बनेगी गवारफली की। और सबसे बेकार काम लगता है गवारफली काटना, कुछ भी ऐसे बारीक बारीक जो सब्जी होती है ना उनको काटना बहुत गंदा लगता है, क्योंकि इनको काटने में एक तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, आते मैं तुरंत लगी थी काम पे, तो गवारफली तो कट चुकी है, टाइम हो रहा है 7:16, तो फटक से कर देती हूँ फ्राई और एक तरफ उतार देती हूँ रोटियाँ। नहीं है चिकू, चिकू कहाँ? डिनर बन चुका है और चिकू यूँ बोल रहे थे कि मैं तो जा रहा हूँ मेरे ब्रदर्स के साथ डिनर पे बाहर, तो चिकू तो गए हैं बाहर पार्टी के लिए, और हिमायरा को मैं मिलने गई थी, हिमायरा मेरे साथ ही आ गई। चलो खाना बनाते रोटी, आ जाओ ताता, चलो चाचा का बैग, आ जाओ, चलो चलो। चाची जाऊं मैं, जाऊं चाची, तो चलो अंदर, इधर आ जाओ। अच्छा अच्छी है। तो हिम्मी यहाँ ऊपर बैठ गई है, अब खाना बनाऊंगी तो हिम्मी भी मेरे पास में बैठी रहेगी ऊपर, है ना? ओके ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चिकुनी ये गया बाईस। हाय, आप यहाँ पे ही बैठ जाओ, नीचे नहीं उतरना है, बैठ जाओ ऊपर ही, खिसक जाओ पीछे। अब ताता बनाने, ये क्या है, ये क्या? केबे। केबे? केबे। केबे? रुको ये तो रखना तो चार्ज पे। क्या हुआ निकानी? क्यों? नचो, नचो, नचो। नो। बार बार क्या है, नचू नचू। तो डिनर है वो मेरा कंप्लीट बन चुका है, अभी डिनर करने के लिए बैठी हूँ और हिम्मी भी मेरे साथ में डिनर करेगी। हाय कर दो। हाय मामी, मामी मामी को कर रहे फोन। तो ये गवारफली की सब्जी, नमकीन और ये साथ में सलाद थोड़ा और रोटी। मामी मामी, तो खाना खा लेते हैं और साथ में भाभी को फोन करते हैं, मामी को फोन कर, याद कर रही है, मामी को फोन करना पड़ेगा ना। मामी नहीं है, हिम्मी है, हिम्मी से कर रही हूँ मैं टाइम पास, क्योंकि हिम्मी से बातें कर करके टाइम निकल रहा है, बाकी चिकू होते चिकू को ही मैं परेशान करती हूँ बहुत। तो अभी इसको जाना है इसकी मम्मा के पास, तो मम्मा के पास छोड़ के आती हूँ इसको। हिम्मी जाए मम्मा? क्यों अभी तो आप बोल रहे थे जाए, यह चीज जाना है। हिमायरा को उसके घर छोड़ने गई, इसके बाद तो हिमायरा ने मुझे आने ही नहीं दिया, और चिकू और ये लोग भी साथ ही साथ आ गए, तो मैं चिकू के साथ ही मेरे घर में आई हूँ। तो अभी टाइम हो रहा है 11:09, तो अब कर देती हूँ मैं व्लॉग का यहीं पर एंड। अगर आज का व्लॉग देखने के बाद अच्छा लग गया हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई व्लॉग, मिलते हैं कल के अच्छे से व्लॉग में। ओके बाय चिकू, बाय बाय, ऐसे करते हैं।